नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में हम जियोग्राफी के प्रश्नों को लिया है, जिसमें हमने 3 मार्क प्रश्नों को विशेष रूप में लिया है। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्सों को प्राप्त नहीं किया है तो आप जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही किफायती दामों में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो के लिंक से आप हर सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और जो जिसमें आप घर बैठे उस समय का सदुपयोग करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकती हैं। साथ ही साथ आप हमारी मोटिवेशनल बुक जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है, सफलता की चिंगारी अब आपकी बारी, जो कि पढ़ाई के साथ आपको मोटिवेट भी करेगी, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहती हैं, जिसमें आपको मात्र ₹1,000 में 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, साथ जो कि हफ्ते में 3 दिन आयोजित की जाएगी, इससे आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश आपके पास हो जाएगा। तो हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी बुक भी प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो के लिंक से। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। लैगून झील, यह किसी समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी स्थलीय अवरोध द्वारा सागर से अंशतः पूर्ण रूप से पृथक होता है। इसके उदाहरण है चिल्का एवं पुलिकट झील। लैगून झील के बारे में पुनः जानते हैं, यह किसी समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी स्थलीय अवरोध द्वारा सागर से अंशतः पूर्ण रूप से पृथक होता है, इसे लैगून झील कहते हैं। इसके उदाहरण चिल्का एवं पुलिकट झील। पूर्ववर्ती अप्रवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं, वह नदियां जो भूभाग के निर्माण से पहले जिस मार्ग से प्रवाहित हो रही थी उसी मार्ग पर बह रही हैं, पूर्वानुवर्ती नदियां कहलाती हैं। वह नदियां जो भूभाग के निर्माण से पहले जिस मार्ग से प्रवाहित हो रही थी उसी मार्ग पर बह रही हैं, पूर्वानुवर्ती नदियां कहलाती हैं। इसके उदाहरण सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। मानसून का विवर्तन, मानसून के लौटने की प्रक्रिया को मानसून का विवर्तन कहते हैं, ऐसे उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु भी कहते हैं। भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है, सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है। मानसून के विवर्तन काल में सामान्यतः वर्षा नहीं होती, लेकिन पूर्व तटीय मैदानों में वर्षा होती है। मानसून के लौटने की प्रक्रिया को मानसून विवर्तन कहते हैं, इसे उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु भी कहते हैं। भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होती है, सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होती है। मानसून के विवर्तन काल में सामान्यतः वर्षा नहीं होती, लेकिन पूर्व तटीय मैदानों में वर्षा होती है। शहर फैलाव क्या है, इसके कारण क्या है, नगर का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार नगरीय फैलाव कहलाता है। नगर का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार नगरीय फैलाव कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि इसका कारण है, छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर लोगों का पलायन या प्रवासन। परिवहन विकास भी शहर फैलाव का एक प्रमुख कारण है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यह देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली बम्बई कोलकाता चेन्नई को 4 महानगरों को लेने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की सड़क परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से तात्पर्य 4 महानगर जो कि दिल्ली मुंबई कोलकाता एवं चेन्नई को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की सड़क परियोजना है, जिसकी इसकी विशेषता है कि इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उद्देश्य इसका तीव्र सड़क परिवहन एवं नेटवर्क की स्थापना है। इसके बाद हम देखते हैं हीरा कुंड नदी परियोजना, यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। विशेषता है इसकी हीराकुंड टिकरापाड़ा बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। यह बांध की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसकी स्थापना 1963 में उड़ीसा में की गई थी, हीराकुंड नदी परियोजना की। एक बार पुनः देखते हैं हीराकुंड नदी परियोजना, यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है, जिसकी विशेषता है हीराकुंड तकरापाड़ा बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। यह बांध की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसकी स्थापना 1953 में उड़ीसा राज्य में की गई है। बिजली क्षमता इसकी 307 मेगावाट है। लाभांतरित राज्य से उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड तीनों राज्य इस महान हीराकुंड नदी परियोजना से लाभान्वित हैं। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप बहुत के पास हमारे नोट्स से टेस्ट सीरीज एवं हमारी बुक भी जो अभी भी लॉन्च हुई है उसे भी प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। किसी भी उद्योग की स्थानीयकरण उस उद्योग के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन इसके अन्य कारक भी हैं जो निम्न है। प्राथमिक कारक कच्चे माल की उपलब्धता, उदाहरण धातु के उद्योग, शक्कर उद्योग आदि के लिए सर्वप्रथम कच्चे माल की उपलब्धता आवश्यक है। किसी भी उद्योग की स्थानीयकरण उस उद्योग के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन इसके अन्य कारक भी, प्राथमिक कारक में कच्चे माल की उपलब्धता, द्वितीय में है बाजार तथा पहुंच विनिर्माण उद्योग, तीसरा है श्रम आधारित उद्योग जिसमें मेहनत मुख्यतः से की जाती है, चौथा है परिवहन साधनों का विकास, पांचवा है निवेशकों का अभाव। यह पांच प्राथमिक कारक है कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार तथा पहुंच विनिर्माण उद्योग, श्रम आधारित उद्योग, परिवहन साधनों का विकास, निवेशकों का अभाव। द्वितीय कारक में यद्यपि हम देखते हैं तो सरकार की नीति, पूंजी की उपलब्धता, संरचनात्मक साधन, औद्योगिक संकुलों की उपलब्धता, आधारभूत उद्योगों की उपलब्धता। उपरोक्त कारणों के आधार पर औद्योगिक की स्थानीयकरण प्रभावित होता है। हमने उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले सर्वप्रथम प्राथमिक कारकों के बारे में जाना, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार तथा पहुंच निर्माण उद्योग, श्रम आधारित उद्योग, परिवहन साधनों का विकास, निवेशकों का अभाव। उसी के साथ हमने द्वितीय कारकों को जाना, सरकार की नीति, पूंजी की उपलब्धता, संरचनात्मक साधन, औद्योगिक संकुलों की उपलब्धता, आधारभूत उद्योगों की उपलब्धता। उपरोक्त कारणों के आधार पर औद्योगिक स्थानीयकरण प्रभावित होता है। इसी के साथ हम आज का अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल ग्रिड पर टिप्पणी लिखें। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के तहत पूरे देश की नदियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड सिस्टम बनाने की योजना है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के तहत पूरे देश की नदियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड सिस्टम बनाने की योजना है। एक चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। इसका उद्देश्य पेयजल संकट से मुक्ति हो, आंतरिक परिवहन को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की आपूर्ति, बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मध्य संतुलित स्थापित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। विशेषता इसके अंतर्गत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दो जल ग्रिड विकसित किए जाएंगी। इसमें कुल 77 नदियों के मध्य ग्रिड सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसमें 35 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तथा 40 बिलियन किलोवाट विद्युत क्षमता विकसित होगी। इस परियोजना से 22 लाख मिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल का उपयोग होगा। इस प्रकार इस योजना का प्रारंभिक चरण चंबल नर्मदा केन बेतवा लिंक के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी दी जा रही है। अपना देखते हैं, यह वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के तहत पूरे देश की नदियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड सिस्टम बनाने की योजना है। उद्देश्य इसका सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल आपूर्ति, पेयजल संकट से मुक्ति, आंतरिक परिवहन को बढ़ावा देना, बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मध्य संतुलन स्थापित करना। विशेषता इसके अंतर्गत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दो जल ग्रिड विकसित किए जाएंगे। इसमें कुल 77 नदियों के मध्य ग्रिड सिस्टम स्थापित किया जाएगा। 77 नदियों के मध्य एक ग्रिड सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसमें 35 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तथा 40 बिलियन किलोवाट विद्युत क्षमता विकसित होगी। इस परियोजना से 22 लाख मिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल का उपयोग होगा। इस प्रकार से योजना का प्रारंभिक चरण चंबल नर्मदा केन बेतवा लिंक के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी दी जा रही है। तो आज की वीडियो में हमने राष्ट्रीय जल ग्रिड सिस्टम पर को देखा, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों को जाना, हीराकुंड नदी परियोजना के बारे में भी जाना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि चार बड़े शहरों दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को जोड़ती है उसके बारे में जाना, शहरी फैलाव, मानसून विवर्तन, पूर्ववर्ती अप्रवाह प्रतिरूप एवं लैगुन झील के लिए भी जाना। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे और आप हमारे नोट्स एवं जो बहु उपयोगी प्रश्न हैं या टेस्ट सीरीज एवं जो हमारी बहुत ही चर्चित बुक जो अभी अभी लॉन्च हुई है सफलता की चिंगारी अब आपकी बारी, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद।